हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कस्टर्ड, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पतीली रख दी है और इसमें हम डाल देंगे एक गिलास मिल्क। मिल्क को हम अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी जब तक अच्छे से घुलने जाती तब तक हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया है। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर हम इसे अच्छा सा घोल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका घोल बना लेना है। ये देखिए, मिल्क अच्छे से उबल चुका है। अब जो कस्टर्ड का घोल हमने बना के रखा है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरीके से चलाते रहेंगे। जब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे तब इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स बन सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब एक बाउल लिया है मैंने और इसमें डाल देंगे वनीला कस्टर्ड। इस तरीके से ब्रेड लिया है मैंने और इसके साइड कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम इसे सेट कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे वनीला कस्टर्ड, जो हमने अभी बनाकर तैयार किया है। ड्राई फ्रूट डालेंगे हम इसके ऊपर। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और एक स्लाइस हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और वनीला कस्टर्ड हम इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम इसके ऊपर और एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप जिस तरीके से इसे सेट करना चाहे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ सेट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड कस्टर्ड बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स।